बहुत दिनों बाद एक ऐसी मूवी देखी जिसने सूर्यवंशम, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसी मूवीज की याद दिला दी है। मनोज बाजपेयी सर की एक नई मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर आई है जिसका नाम बहुत प्यारा है और वो है गुलमोहर। वैसे गुलमोहर एक ट्री होता है जिस पर रेड ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं। पूरी मूवी में फैमिली ड्रामा दिखाया गया है जो कि एब्सोल्युटली रिलेटेबल है। स्टोरी फोकस करती है एक बत्रा फैमिली पर जिसमें सभी मेंबर्स बाहर से तो खुश हैं लेकिन उनके अंदर कुछ और ही है। सबसे अच्छी बात, मॉडर्न सोसाइटी का जो डिपिक्शन इस मूवी में दिखाया गया है वो एकदम रियल लगता है, जैसे कि बाप और बेटे के बीच क्लैशेस, शादी के बाद फैमिली छोड़कर अलग रहना और भी बहुत कुछ। जब मैंने ये मूवी देखनी स्टार्ट की तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शुरू के 15 से 20 मिनट तक मुझे सब कुछ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी उसके बाद तो पता ही नहीं चला मूवी कब खत्म हो गई। मूवी में काफी सारे और काफी अच्छे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रुलाएंगे नहीं बट सोचने पर मजबूर कर देंगे। मनोज सर के बारे में तो क्या ही बोलें, ही इज द अल्टीमेट फैमिली मैन। यार इनकी एक्टिंग में तो कोई इंसान थोड़ी सी भी कमी नहीं निकाल सकता, ये हर छोटी छोटी चीजों को नियर टू परफेक्शन तक ले जाते हैं। हाँ, मनोज बाजपेयी सर की वजह से ही मैंने इस मूवी को देखा है, अदरवाइज मैं इसे स्किप करने वाला था। इसके अलावा चंदन रॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्माइल, ज्यादा नहीं पर हाँ जितने भी कॉमिक सीन्स हैं वो चंदन रॉय ने ही किए हैं। एकदम मजे हुए डायलॉग्स बोलते हैं ये। पंचायत के बाद काफी सारे प्रोजेक्ट्स इन्हें मिले हैं। मूवी के एंड में एक गाना है जिसमें पूरी फैमिली इकट्ठा होकर होली सेलिब्रेट करती है, उस गाने को सेव कर लेना क्योंकि होली वाले दिन आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। सच में बहुत अच्छा गाना था। देखो, इट डजंट मैटर आपको कैसी मूवी देखना पसंद है, भले ही ये एक फैमिली ड्रामा है पर मुझे लगता है मेरी तरह काफी सारे लोग इस मूवी से रिलेट कर पाएंगे, तो इसे स्किप मत करना। पूरी मूवी में हार्डली एक या दो गाली हैं, इसके अलावा फैमिली के साथ बैठकर देखने के लिए ये एक परफेक्ट मूवी है। डिज्नी हॉटस्टार पर जाओ और इस मूवी को एंजॉय करो, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना।